नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की थी बेटी बचाओ आंदोलन की, लेकिन कर्नाटक में आजकल चल रहा है विधायक बचाओ विधायक बढ़ाओ आंदोलन, और 13 विधायकों ने कांग्रेस और जेडीएस से इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद बीजेपी यह दावा कर रही है कि उनके पास बहुमत है। वहीं दूसरी तरफ जेडीएस और कांग्रेस मिलकर हर साम दाम दंड भेद अपना रहे हैं ताकि वो सत्ता में कायम रहे। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, हर गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, हर सीधे रास्ते की गोलमाल है, बहुत गोलमाल है भाई। कर्नाटक के नए सियासी नाटक में गजब का गोलमाल चल रहा है। सत्ताधारी कांग्रेस और जेडीएस विधायक बचाओ अभियान में जुटे हैं, तो वहीं बीजेपी का कर्नाटक में विधायक बढ़ाओ अभियान चल रहा है। सियासत की मंडी में विधायक अपने भाव परख रहे हैं। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल गोलमाल है सब गोलमाल है। तो आइए हम आपको समझाते हैं कर्नाटक का ये सियासी नाटक। कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन के 13 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। ये विधायक पहले मुंबई गए, फिर गोवा के रिसोर्ट में पहुंच गए। कांग्रेस विधायक रोशन बेग को पार्टी ने सस्पेंड कर दिया है। आज सीएलपी की बैठक में 82 विधायकों में से 60 विधायक ही पहुंचे। इनमें से 5 विधायकों ने बैठक में न पहुंचने की पहले से ही इजाजत ले ली थी। बीजेपी का दावा है कि उनके पास 107 एमएलए हैं, जबकि कांग्रेस जेडीएस गठबंधन के पास महज 103। कर्नाटक में कांग्रेस से उनके विधायक बिदक कर बीजेपी के खेमे में पहुंचे तो सियासत गर्म हो उठी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उनके विधायकों को डरा धमका कर बीजेपी ने इस्तीफा दिलवाया है। क्या होना सर, ये बीजेपी वाले हमारे जो एमएलए लोग को लेके जाके एकदम मिलिट्री गन पॉइंट में रखे उनको, यानी ये लोग ब्लैकमेल करके लेके गए थे, वो क्या बोलते, वो किडनैप करके लेके गए और उनको किसी से बात करने नहीं दे रहे। जबरदस्ती उन लोगों को रूम में लॉक करके है, एक एक के ऊपर तीन तीन चार चार आदमी डाल दिए, ना कोई फोन में टच आ रहा। उधर कांग्रेस ने इस मामले में अपने तेवर कड़े कर लिए हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धरमैया ने बागी विधायकों को फौरन लौट आने की चेतावनी दी। टुडे द लेजिस्लेटिव पार्टी हैज डिसाइडेड टू मेक ए पिटीशन बिफोर द ऑनरेबल स्पीकर ऑफ द कर्नाटक लेजिस्लेटिव असेंबली seeking disqualification of the members who are trying to resign for the membership. कांग्रेस के इस तेवर का बागी विधायकों पर उल्टा असर हुआ है। उन्होंने साफ कर दिया है कि कांग्रेस चाहे जो कर ले वो अपने कदम वापस नहीं लेंगे। मान्य सिद्धरमैया जी ने जो बात किया है वो सारा झूठ है। सीएलपी मीटिंग में जो धमकी दिया गया है उसके लिए कोई डरने वाला नहीं है। एमएलएस कर्नाटक में कोलिशन गवर्नमेंट था, कुछ काम नहीं हो रहा। इधर जेडीएस ने भी अपने विधायकों को बेंगलुरु से 40 किलोमीटर दूर प्रेस्टीज गोल्फ शेयर रिसोर्ट में छिपा दिया है, जहां पुलिस का कड़ा पहरा है। हम इस वक्त कोडुगुरकी इलाके के प्रेस्टीज गोल्फ शायर रिसोर्ट के सामने हैं। ये एक आलीशान रिसोर्ट है। हम यहां पर इसलिए हैं क्योंकि यहां पर जेडीएस के एमएलएस हैं। अब वो बाहर तो आ नहीं रहे हैं और हम अंदर नहीं जा सकते हैं क्योंकि यहां पर पुलिस का मैसिव प्रेजेंस, आप देखिए किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। अब कर्नाटक का नाटक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कर्नाटक के सियासी संकट पर बेंगलुरु से दिल्ली तक सियासत गर्म है। बेंगलुरु में कांग्रेस और जेडीएस विधायकों ने विधानसभा के भीतर गांधी प्रतिमा के पास बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। उधर यूथ कांग्रेस ने बेंगलुरु में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। दिल्ली में भी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। कर्नाटक के सियासी संकट पर संसद में भी जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी, जबकि लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला तो उनका जवाब दिया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। आप अजीब वाकिफ है कि कर्नाटक में क्या हालात हो रहे हैं। मैं से दो मुद्दा सर, कर्नाटक की नहीं, ये शिकार की राजनीति को बंद करना चाहिए, ये पोचिंग पॉलिटिक्स बंद करना चाहिए। आज कर्नाटक काल मध्य प्रदेश इस तरीके की इलेक्टेड गवर्नमेंट एक के बाद एक को अगर तोड़ा जाए, अगर इनको इसको तोड़ा जाए, डिसबैंडल किया जाए पैसा के लालच में और मासिल से, ये सही नहीं है सर। यह सच है कर्नाटक में जो कुछ भी हो रहा है
या कांग्रेस के अपने घर का यह मामला है, लेकिन अपने घर को अपने हाउस को यह संभाल नहीं पा रहे हैं, बल्कि पार्लियामेंट के इस लोअर हाउस को डिस्टर्ब करने की अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल कर्नाटक की राजनीति चौराहे पर खड़ी है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। जेडीएस और कांग्रेस अपने बागी विधायकों को मनाकर उन्हें कैबिनेट में जगह देकर सरकार बरकरार रख सकती है, तो वहीं बीजेपी गठबंधन के 13 विधायकों के इस्तीफे के बाद सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। बीजेपी के नेता ताल ठोक रहे हैं कि कुमारस्वामी सरकार बहुमत खो चुकी है, जबकि कुमारस्वामी और सोनिया गांधी को यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। कई सिनेरियोज हैं जो इस वक्त प्ले आउट कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर का कहना है कि वो बिल्कुल भी घबराए हुए नहीं है, क्योंकि उनको पूरा विश्वास है ये पूरा जो प्रकरण चल रहा है वो सुलझा लिया जाएगा। दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं का कहना है कि अब कांग्रेस जेडीएस सरकार के पास मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बची ही नहीं है कि वो सरकार में रहे। अब देखना होगा आगे क्या होता है। कैमरा पर्सन वैभव कंगूटकर के साथ पंकज उपाध्याय, बेंगलुरु आज तक। तो विधायक बचाओ विधायक बढ़ाओ के इस पूरे खेल में आखिर आंकड़े क्या कहते हैं, जरा ये आपको एक बार समझा देते हैं। क्योंकि आंध्र प्रदेश में कुल 224 सदस्य हैं विधानसभा में, अब कांग्रेस के 68, लेकिन कांग्रेस के 11 विधायकों का इस्तीफा हो गया है, तो वो आंकड़ा वहां से निकाल लीजिए। अब जेडीएस देखिए 34 विधायक थे, लेकिन इनके भी 3 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। अब कुल सदस्य कितने बच जाते हैं, जब आप ये 3 और 11 कांग्रेस के जोड़ लें यानी 14 लोग निकल जाते हैं, तो फिर आंकड़ा क्या बन जाता है वहां पर विधानसभा का। अब सदस्य है 210, तो बहुमत के लिए कितना आंकड़ा चाहिए, 106 विधायकों की जरूरत है। कांग्रेस और जेडीएस के को मिला ले तो उनके पास अभी 103 विधायक है, 103 विधायक। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी का आंकड़ा पहुंच गया है 107 पर। वो इसलिए क्योंकि पहले से उनके पास 105 विधायक थे, लेकिन 2 निर्दलीय हैं, एक तरफ नागेश और दूसरी तरफ आर शंकर, जिन्होंने अपना समर्थन बीजेपी को दे दिया है। तो कर्नाटक का सियासी नाटक में तस्वीर ऐसी बन रही है कि फिलहाल विधायक बचाओ विधायक बढ़ाओ वाले इस खेल में बीजेपी का पलड़ा भारी दिख रहा है। तो खैर, कर्नाटक के संकट का क्या होगा, इसके लिए तो इंतजार करना होगा। लेकिन दिल्ली में आए एक संकट का यहीं के लोगों ने हल ढूंढ लिया है। जी हाँ, हौस काजी इलाके में जिस तरह का सांप्रदायिक तनाव था, उसके बाद अब वहीं पर पहल की गई, शोभा यात्रा निकाली गई और सौहार्दपूर्ण वातावरण खुद ही नागरिकों ने बनाया। देखिए इस रिपोर्ट में। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, धर्म ध्वजाएं फहरा रही हैं, तरह तरह के रथों में धार्मिक झांकियां चल रही हैं, लोग नाच गा रहे हैं, धार्मिक नारे गूंज रहे हैं। पूरे रास्ते में इस शोभा यात्रा का स्वागत करने वाले लोग खड़े हैं, इनमें हिंदू हैं तो मुसलमान भी कुछ कम नहीं है। कौन सोच सकता है कि हफ्ते भर पहले इसी सड़क पर सांप्रदायिक तनाव हो गया था, अफवाहों का बाजार गर्म हो गया था, दो समुदाय आमने सामने आ गए थे। लेकिन दिल्ली आग लगाने वालों के झांसे में नहीं आई, माहौल खराब करने वालों की नहीं चली। उस साजिश को पुरानी दिल्ली की तहजीब ने हरा दिया, साफ संदेश दे दिया कि राम रहीम यहां मिलकर रहते आए हैं, मिलकर ही रहेंगे। शोभा यात्रा माँ दुर्गा की, लेकिन आज गंगा जमुनी तहजीब का जो संदेश देने के लिए ये पुरानी दिल्ली में क्या हिंदू क्या मुसलमान इस शोभा यात्रा में हिस्सा लेने के लिए, स्वागत करने के लिए ये तमाम लोग पहुंचे हैं। जनाब देखिए, पुरानी दिल्ली के अंदर सब एक साथ हैं, आप देख रहे हैं, हम भी यहाँ खड़े हैं, मुसलमान भी सारे इलाके के सारे मुसलमान हैं यहाँ पे स्वागत करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर आप ये देखिए, दिल्ली की वॉल सिटी जो है, जो मुसलमान को खास एरिया हैं, उनके बीच में तकरीबन 60 मंदिर हैं। माहौल थोड़े टाइम के लिए खराब हुआ था, उसके बाद प्रशासन और पुलिस ने सब कुछ सुधार लिया। हिंदू मुस्लिम सब लोग इकट्ठा हुए, अमन शांति की दुआएं करी हैं और आज अमन शांति इतनी है ये दुनिया देख रही है। ये दिल्ली का हौज काजी इलाका है,
जहां पिछले हफ्ते सांप्रदायिक तनाव हो गया था। इस दौरान जिस प्राचीन दुर्गा मंदिर में तोड़फोड़ हुई थी, वहां मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। असामाजिक तत्व इसमें कोई खलल न डाल पाए, इसके लिए चांदनी चौक, फतेहपुरी और हौज काजी की गलियों में चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस, CRPF और ITBP की तैनाती की गई। सुरक्षा के भी बहुत पूरे इंतजाम है। हर एक तरह से कहा जा सकता है कि छत पर पुलिसकर्मी तैनात हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात हैं, यानी संगीनों के साए में ये शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर स्पेशल CP लॉ एंड ऑर्डर समेत तमाम सीनियर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और निगरानी रख रहे हैं। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले निकली शोभा यात्रा में जैसे सड़क पर भगवा सैलाब उमड़ आया था। शोभा यात्रा तो माँ दुर्गा के नाम पर थी, लेकिन जुलूस में जय श्री राम के नारों की गूंज थी। स्थानीय लोगों के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता भी झंडे और बैनर लेकर जुलूस का हिस्सा बने। शोभा यात्रा में शामिल भक्तों को महाप्रसाद बांटने के लिए मुसलमान खुद पूरियां लेकर खड़े थे। स्वादिष्ट पूरी सब्जी और हलवा जुलूस में शामिल भक्तों को महाप्रसाद के तौर पर दिया गया। तो एक तरफ पुरानी दिल्ली की गलियों में शोभा यात्रा, तो वहीं दूसरी ओर सौहार्द का ये संदेश कि एक तरफ जहां हिंदू समाज के तमाम सारे लोग, ये महाप्रसाद का काउंटर कि जहां से तमाम भक्त निकल रहे हैं प्रसाद लेने के लिए, क्या हिंदू क्या मुसलमान, पुरानी दिल्ली की यही पहचान गंगा जमुनी तहजीब, और वो तहजीब, वो बेमिसाल तहजीब आज भी पुरानी दिल्ली की इन गलियों में जिंदा है। दिल्ली ने एक बार फिर साबित किया कि वो दिल वालों की है। दिल्ली के अमन में कोई आग नहीं लगा सकता। चिराग गोठी के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक। इसी के साथ हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे आधे हिंदुस्तान में कैसे बाढ़ की वजह से हैं लोग परेशान। देखते रहिए आज तक स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से एक बार फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। तैरती कार, बहती बाइक, हर बार बारिश और बारिश से हाहाकार, जिसके बाद ये तस्वीरें देश भर से आती है। क्या बिहार, क्या उत्तर प्रदेश, हर जगह यही है हाल। देखिए इस रिपोर्ट। हिंदुस्तान में बाढ़ का दौर शुरू हो चुका है। आधे हिंदुस्तान में बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा है। शहर शहर बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। मूसलाधार बारिश में रास्तों पर सैलाब का कब्जा है। वाहन पानी में बहे जा रहे हैं। जिंदगी पर सैलाब ने ऐसा प्रहार किया है कि समझ में नहीं आ रहा कि जाएं तो कहां जाएं। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी जैसे एक साथ जल प्रलय आया है। आज हम आपको दिखाएंगे कि देश और दुनिया में कभी है, तो ये भी बताएंगे कि हर साल बाढ़ से कितना नुकसान होता है, बाढ़ में कितने लोगों की जान जाती है। देश में इस वक्त उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ और बारिश से बुरा हाल है। और बात दुनिया की करें तो सैलाब ने बड़े बड़े मुल्कों की हालत पतली कर रखी है। अमेरिका, चीन और रूस इस वक्त भयंकर बाढ़ की त्रासदी झेल रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे बारिश ने बिहार की दुर्गति कर दी है। बिहार के दरभंगा में पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं सड़कें पानी से लबालब हैं। घरों में पानी घुस गया है। बेडरूम से लेकर डाइनिंग हॉल तक सब कुछ पानी में तैर रहा है। सोफा पानी में है, बेड में भी पानी घुस चुका है। लोगों के घरों में इतना पानी भर गया कि लोगों ने अपना फ्रिज कूलर उठाकर छज्जे पर रख दिया है। कल थोड़ी सी बारिश हुई है और देखिए आज पूरा पानी भर गया है। हम लोग सब बाल बच्चे ऊपर प्लान कर गए हैं, बाकी घर के जो लोग हैं वो बाहर चले गए हैं, वो तो यहाँ है भी नहीं। अब इतना बड़ा घर छोड़ करके तो कहीं जा नहीं सकता है आदमी, बहुत कष्ट है सर। पूरा बेडरूम, किचन, लैट्रिन, बाथरूम जितना है, यहाँ तक के पीने का पानी तक का अभाव हो गया है। पीने का पानी भी नहीं है। मोहल्ले, बस्तियां, गलियां सब पानी में डूबे हैं। लोगों का धंधा भी मंदा हो गया है। जब से शुरू हुआ है पानी, कल से देखिए इतना पानी है, क्या करा जाएगा। हम लोग तो परेशान होवे करते हैं, कोई गांव का नहीं आता है, हम लोग बैठे रहते हैं, क्या करें। ये बिहार के सासाराम की तस्वीरें हैं। करीब 70-80 लोग सैलाब में फंसे हुए हैं, उनका रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि ये लोग
देवी माँ के दर्शन करने गए हुए थे और वहाँ बने झरने में स्नान कर रहे थे। अचानक तेज बारिश के चलते झरना काल बन गया और मूसलाधार पानी आ गया। सभी श्रद्धालु पानी में बहने लगे। ऐसे में स्थानीय लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया। ज्यादा बारिश होने के कारण जल स्तर बढ़ गया और वहां पे पानी की मात्रा ज्यादा गिरने लगी, जिसमें करीब से करीब 70 से 80 लोग फंसे हुए थे, जिसमें 30 से 40 महिलाएं, एक पुरुष और 10-15 बच्चे थे, जिनको मानव श्रृंखला बना के आसानी से निकाला गया। मध्य प्रदेश में बारिश और बाढ़ से हालात बुरे हैं। तस्वीरें मध्य प्रदेश के सिंगरौली की है। आप देख सकते हैं कि एक अंडर ब्रिज में बस फंसी पड़ी है। सिंगरौली में 48 घंटों से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे अंडर ब्रिज में 4 फीट से ज्यादा पानी भर गया। बस फंसने से पुल के दोनों तरफ कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इस अंडर ब्रिज से करीब 3 गांवों का रास्ता होकर जाता है। मध्य प्रदेश में खरगोन से रायसेन और सतना से सागर, गुना से सीहोर तक पानी ही पानी है। इस साल मध्य प्रदेश पर बादल जमकर बरस रहे हैं। कई इलाकों में बारिश से बाढ़ के हालात बन गए हैं। बारिश और बाढ़ से उत्तर प्रदेश भी बेहाल है। मूसलाधार बारिश से बस्तियां मोहल्ले डूबे हैं तो नदियों में कटान शुरू हो गया, जिसकी वजह से नदी किनारे बसे गांवों पर खतरा मंडरा रहा है। हम आपको बता दें कि बाढ़ से हर साल तकरीबन 1700 लोगों की जान जाती है। 92,000 से ज्यादा पशु हर साल मारे जाते हैं। पिछले 64 सालों में बाढ़ से 1,00,000 लोगों की मौत हो चुकी है। 1953 से लेकर 2017 तक बारिश और बाढ़ की वजह से देश को 3,65,860 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। भारी बारिश से हर साल मुंबई के अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत समेत कई राज्य प्रभावित होते हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से से लेकर पूर्वी हिस्से तक बारिश लोगों पर आफत बनकर बरस रही है। पूर्वी हिस्से में बाढ़ आई हुई है तो पश्चिमी यूपी में बारिश का पानी सिस्टम की पोल खोल रहा है। उत्तराखंड में भी बादल जमकर बरस रहे हैं। रुद्रप्रयाग में बारिश आफत बनकर बरस रही है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां उफन रही हैं। नदी किनारे बने सभी घाट पानी में डूब गए हैं। अलकनंदा नदी तो खतरे के निशान से कुछ मीटर नीचे ही बह रही है, जबकि बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर जगह जगह भूस्खलन का सिलसिला शुरू हो चुका है। तस्वीरें विकास नगर की हैं। यहाँ देर रात हुई बारिश में पूरा इलाका जैसे दरिया बन गया। नेशनल हाईवे पर पानी ही पानी हो गया। औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को लबालब पानी सड़क पार करके जाना पड़ा। उत्तराखंड में देहरादून से लेकर उत्तरकाशी और टिहरी में भी जमकर बारिश हो रही है, यानी पहाड़ों पर आफत का सिलसिला अब चल पड़ा है। आज तक ब्यूरो। अब आपको लिए चलते हैं पूर्वोत्तर। जी हाँ, असम में ब्रह्मपुत्र के उफनने के बाद जिस तरह से 50 गांवों पर इस वक्त बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, वो तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। चाहे शहर शहर हो, गांव गांव हो या फिर हो जंगल, हर जगह वही सैलाब। इधर अरुणाचल प्रदेश में बादल फटने से कैसी तबाही देखी। देश का पूर्वोत्तर भी इस वक्त जल प्रलय का संकट झेल रहा है। असम में बाढ़ और बारिश से तबाही मची हुई है तो अरुणाचल प्रदेश में बादल फटने से तबाही आई। असम में पिछले 48 घंटों से मूसलाधार बारिश हो रही है। कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। असम की ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। आप देख सकते हैं कि कैसे ब्रह्मपुत्र नदी ने अपने आसपास के इलाकों को अपने आगोश में ले लिया। चारों तरफ सैलाब ही सैलाब है। गांव के गांव डूब गए हैं, खेतों में पानी है, बस्तियों में पानी। असम के 5 जिलों के 50 गांव इस वक्त बाढ़ के पानी में डूबे हैं। असम के धीमाजी, लखीमपुर, जोरहाट, विश्वनाथ और गोलाघाट में बाढ़ से तकरीबन 15,000 लोग प्रभावित हुए हैं। काल रात से और पानी बढ़ रहा है, पानी बढ़ रहा है, 2-3 सेंटीमीटर का पर आवर में पानी बढ़ रहा है। अभी जो वार्निंग लेवल है 48.680 अभी आया नहीं, ऐसा बारिश होने से वह आ जाएगा। सबसे बुरा हाल तो असम के जोरहाट के निमाती घाट का है।
आप देख सकते हैं कि कैसे गांव में कमर तक पानी है। अस्पताल से लेकर सब जगह पानी ही पानी भरा है। जोरहाट में बाढ़ आई हुई है, सारे रास्तों पर पानी ही पानी भरा है। हम आपको बता दें कि देश में बाढ़ से सबसे बड़ी तबाही 1977 में आई थी। उसके 11 साल बाद 1988 में बाढ़ से दूसरी बड़ी तबाही आई। कुल मिलाकर पिछले 64 सालों में 6 दफा बाढ़ के चलते 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि हम भले ही अपने आप को आधुनिक युग का कहें, लेकिन बाढ़ से मरने वाले आंकड़ों पर साल दर साल इजाफा ही हो रहा है। अब अरुणाचल प्रदेश के तेंगी पानी कस्बे की ये तस्वीरें देखिए, आपको चारों तरफ तबाही ही तबाही नजर आएगी, क्योंकि यहाँ बादल फटा है। आप देख सकते हैं कि बादल फटने के बाद आई बाढ़ में कम से कम 800 लोगों के फंसे होने की खबर है, जबकि कई लोग लापता हैं। आज तक ब्यूरो हिंदुस्तान में हमने आपको पूर्वोत्तर का उत्तर भारत की तस्वीर दिखा दी, लेकिन अब तो विदेशों में भी यही हाल है। अमेरिका, चीन, रूस, किसी भी देश में आप पहुंचे, इन देशों में देखिए कैसे बाढ़ का सैलाब कर रहा है लोगों को परेशान, सड़कें समंदर बनी हुई हैं। मुंबई की बारिश और बारिश में डूबती मुंबई की चर्चा देश भर में हो रही है। हर साल जिस तरह से मुंबई डूबती है और बीएमसी के दावे और वादे फेल हो जाते हैं, उसकी बीएमसी को खरी खोटी भी सुनाई जा रही है। कहां तो मुंबई को शंघाई बनाने की बात होती है, लेकिन जैसे ही मुंबई पानी पानी होती है, ये सपना पानी में मिलता हुआ ही नजर आता है। लेकिन अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में भी भारी बारिश के चलते वहां के हालात मुंबई जैसे बदतर हो गए हैं। मुंबई शहर जैसे ही वाशिंगटन में सड़कों पर काफी पानी भर गया, आलम यह कि यहाँ के लोग अपनी जान बचाने के लिए कार की छतों पर चढ़े हुए नजर आए। अमेरिका में बारिश और आंधी से जिंदगी मुश्किल में पड़ गई है। बारिश का पानी व्हाइट हाउस के कार्यालय के बेसमेंट में भी घुस गया। व्हाइट हाउस के पश्चिमी क्षेत्र में बने मीडिया कार्य क्षेत्र में पानी घुस गया, जिसके बाद वहाँ कर्मचारियों को बेसमेंट में जमा पानी निकालने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। दूसरी ओर राजधानी वाशिंगटन की सड़कों पर भी तेज बारिश के कारण कहीं कहीं ट्रैफिक बेहाल हो गया। वाशिंगटन के अलावा वर्जीनिया और कोलंबिया में भी भारी बारिश हुई है। एक घंटे में ही 3.3 इंच पानी बरस गया। शहर की सड़कें नहर बन गई हैं और बाढ़ जैसे हालात हो गए। सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि रूस का भी बाढ़ से बुरा हाल है। रूस के इरकुत्स्क क्षेत्र में बाढ़ के बाद 400 से अधिक लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और 13 लोग अभी भी लापता हैं, जबकि 22 लोगों की मौत हो चुकी है। रूस में बाढ़ की ऐसी त्रासदी आई है कि करीब 4000 लोग अंधेरे में जीने को मजबूर हैं। जी हां, कई इलाकों में बाढ़ के चलते बिजली ठप हो गई है। इरकुत्स्क क्षेत्र में पिछले 15 दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिसमें 1,150 घर डूब चुके हैं। रूस की एक सरकारी एजेंसी के मुताबिक बाढ़ से अब तक 118 करोड़ का नुकसान हो चुका है। चीन भी इस वक्त बाढ़ की भयंकर त्रासदी झेल रहा है। सैलाब ने जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। चीन की यह तस्वीर देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे सड़क नहीं बल्कि समंदर है। आप देख सकते हैं कि अंडर ब्रिज के नीचे एक बस डूबी है। दो लोग बारिश के बीच कमर तक पानी में छाता लिए चले आ रहे हैं। कारें डूबी हुई हैं। पानी में फंसे लोगों को बचाया जा रहा है, उसका रेस्क्यू किया जा रहा है। और ये देखिए पूर्वी चीन की तस्वीरें, कैसे सैलाब ने सब कुछ अपनी आगोश में ले रखा है। पूर्वी चीन के फुजियान कस्बे में इतनी भयंकर तबाही मचाई कि सैलाब ने घरों को भी ढहा दिया, जबकि कई इमारतें इस वक्त गिरने की कगार पर खड़ी हैं। पूरे इलाके में कीचड़ ही कीचड़ फैल गया है। 24 घंटे में यहां इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि नदियां उफान पर आ गई। बाढ़ से तबाही का अंदाजा आप टूटे फूटे और मलबे में तब्दील हो चुके इन मकानों से लगा सकते हैं। आज तक ब्यूरो।
क्या मुंबई, क्या वॉशिंगटन, क्या चीन के तमाम शहर। अब आपको जरा स्पेन लिए चलते हैं, हैरान करने वाली तस्वीरें स्पेन से भी आ रही हैं। ये देखिए, स्पेन में बाढ़ से भयंकर तबाही इस वक्त मच रही है और स्पेन की ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि किस तरह से पानी जबरदस्त रफ्तार के साथ शहर के बीचों बीच तमाम इलाकों से गुजरती हुई, किस तरह का नुकसान। और ये तस्वीरें तो ऐसी लग रही हैं जैसे किसी गाड़ी के अंदर से ली गई तस्वीरें हैं, लेकिन पानी किस तरह से, मतलब गाड़ियों के आसपास पानी कैसे भर रहा है, पार्किंग स्पेस ये दिखाई देता है। ऐसे ही जल जबरदस्त बहाव के साथ अलग अलग हिस्सों में, ये हम आपको दूसरी तस्वीर आप दिखा रहे हैं। देखिए गाड़ियां जैसे इधर उधर बस पड़ी, मतलब जबरदस्त रफ्तार से जब ये पानी बह रहा होगा, इन गाड़ियों को वो अपने साथ लेकर गया। घरों से लोग पानी बाहर फेंक रहे हैं, चारों तरफ इस वक्त कीचड़ है। ये गाड़ियां कैसे इस भयानक तूफान और बारिश में जैसे उड़ के, देखिए गाड़ी के ऊपर गाड़ी, यानी आप समझ सकते हैं किस तरह की रफ्तार रही होगी हवाओं की उस वक्त, या फिर पानी का कैसा बहाव रहा होगा जिसकी वजह से ये गाड़ियां ऐसे अलग अलग जगहों पर जाकर अटकी हुई हैं। मलबा लोग घर के अंदर से निकालते हुए, गाड़ियां इधर उधर पलटी हुई खिलौनों की तरह दिखाई दे रही हैं। खबर के साथ हम रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे आखिर कौन था ये शख्स, नाम जीवाणु, 65 रेप के बाद आखिरकार पकड़ा गया, जयपुर में पकड़ा गया। देखते रहिए आज तक स्पेशल रिपोर्ट। तो आप देख रहे हैं लेकिन आपका भी दिलो दिमाग इस वक्त भारत और न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल मैच पर टिका हुआ होगा, और इसीलिए खबर ये आ रही है कि मैनचेस्टर में फिलहाल बारिश रुक गई है। तो हम सीधे लिए चलते हैं आपको अपने सहयोगी विक्रांत गुप्ता, इस वक्त हमारे साथ वहां से जुड़ रहे हैं। मैनचेस्टर में बारिश रुकी है, सोपर्स मैदान में है और पिच पर अभी भी कवर्स है, इसलिए थोड़ा सा सस्पेंस बना हुआ है। फिलहाल 211 रन बनाए गए हैं 5 विकेट के नुकसान पर न्यूजीलैंड की तरफ से। सीधे लिए चलता आपको विक्रांत, संभावना है कि अभी मैच फिर से शुरू हो सकता है, आगे के ओवर्स बोल हो सकते हैं। जी बिल्कुल अंजना, मैं आपको सिंप्लीफाई कर देता हूँ क्योंकि बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। रिजर्व डे को लेकर लोग काफी कंफ्यूज है। नंबर एक, बरसात पूरी तरह से रुकी नहीं है, हल्की हल्की रिजल्ट जिसे कहते हैं बहुत हल्की हो गई है, जिस तरह से शुरू हुई थी उस तरह की हो गई है इस दौरान, लेकिन बरसात हुई है तो आउटफील्ड में गीला है, वो सुपर सॉपर चल रहा है। फर्ज कीजिए कि आज आधे घंटे बाद बरसात रुक जाए, उसके बाद वो मुआयना करेंगे और उसके बाद फिर खेल शुरू होगा। अब से ठीक 15 मिनट बाद ओवर कम होने शुरू होंगे क्योंकि 2 घंटे का बफर था, 15 मिनट और है। 15 मिनट के बाद हर 4 मिनट में एक ओवर कम होता जाएगा, और इस वक्त अगर कोशिश जो होती है वो ये होती है कि पहले दिन ही नतीजा मिल जाए। जब आप पहले दिन नतीजे की बात करते हैं तो आप भूल जाते हैं कि कल मेरे पास रिजर्व डे है। रिजर्व डे उस इवेंचुअलिटी में होगा कि अगर कम से कम 20 ओवर का खेल आज ना हो, दो बातें हो सकती है। फर्स्ट चीज, मैच शुरू हो गया और भारत को एक टारगेट रीसेट हो गया, जी फला फला ओवर में आपको फला फला रन बनते हैं। अगर वो पूरे ओवर 20 नहीं होते तो कल जितने ओवर हुए होंगे वहां से शुरू होगा। लेकिन फर्ज कीजिए आज बिल्कुल भी खेल नहीं होता और आज का दिन खत्म हो जाता है, तो फिर कल न्यूजीलैंड 46.2 से दोबारा खेलना शुरू करता है। तो बड़ा सिंपल है, अगर आज खेल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, तो कल फिर न्यूजीलैंड यहीं से पहले अपने 50 ओवर खेलेगा और भारत 50 ओवर खेलेगा। लेकिन द मोमेंट टारगेट रीसेट हो गया, भारत ने बैटिंग शुरू कर दी, तो फिर उसके बाद जो टारगेट आपको जितने ओवर्स में आज मिलेगा, अगर आज आप नहीं कर पाएंगे तो कल वहीं से शुरू होगा। नतीजा होगा इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कल का फोरकास्ट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। हालांकि सुबह इतनी बरसात तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर एकदम से फोरकास्ट बदल गया था। पहले था कि दोपहर को 1 घंटा बरसात होगी और पिछले 2 घंटे से बरसात चल रही है, लेकिन अभी भी वक्त है, अगर रुक जाएगी तो आज ही आपको नतीजा मिल जाएगा। अभी कितनी देर और देखा जाएगा जिसके बाद कल के लिए गेम कैंसिल किया जा सकता है कि अब कल शुरुआत हो? उसके लिए बहुत वक्त है अंजना, जैसे मैंने कहा अब से ठीक 10 मिनट के बाद एक एक ओवर कम होना शुरू होगा। देखिए लोकल वक्त अनुसार 6:15 पर मैच खत्म होना था, और 2 घंटे अगर हम उसमें बफर डाल देते हैं तो 8:15 हो गए। इसका मतलब है कि इंडिया में आप 4.5 घंटे और ऐड कर दीजिए, और अगर आप 8:15 के लिहाज से देखें तो कम से कम 20 ओवर का खेल चाहिए, 20 ओवर में आप 100 मिनट माइनस कर दीजिए, तो अंदाजन आप लगा लीजिए कि अगर लोकल टाइम 6:30 के करीब तक, 6:30 के करीब तक लोकल टाइम अगर मैच नहीं शुरू हो पाएगा तो फिर वो कल रिज्यूम होगा, क्योंकि कम से कम 20 ओवर का खेल अगर आज चाहिए तो फिर उसके लिए 6:30 ये मैच शुरू करना पड़ेगा। मुझे हालांकि जो इंकारात हैं, जो हालात हैं, लगते यही है कि शुरू हो जाएगा। ठीक है,
शुक्रिया आपका विक्रांत इस जानकारी के लिए। ओवर्स के हिसाब से जो लक्ष्य है वो भी हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये अच्छी खबर कि बारिश थोड़ी कम हुई है लेकिन अभी भी हल्की हल्की ड्रिजलिंग वहां पर हो रही है। शुक्रिया विक्रांत। इसी खबर के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।